टूटे हुए दिल की दुआ से बद्दुआ बन जाएगा। ये अच्छी मुसीबत है, इवेंट पे भी जाओ तो मेकअप करके नहीं जाओ, जैसे किसी की मैयत पे जा रहे हो, वहां पे भी बुआ बन के जाना पड़ता है। पहुंच गई मंगनी? अभी तक घर पर हूँ, तैयार बैठी हुई हूँ, नहीं गई। तुम तो 7 बजे नहीं पहुंचने वाली? जाना था पर अब्बू दादी को लेके हॉस्पिटल गए हैं, पहले वो आएंगे फिर जाऊंगी। तैयार बैठी हो तो एक पिक्चर भेज दो प्लीज। मोहसिन अभी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में पहुंच के भेजती हूँ। ओके बाय। अम्मी, ये देखिए जरा, इसे अगर मैं पीछे से लूं तो कैसा लगेगा? अबीर, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा तुम्हें अम्मी कितनी परेशान है? ओह, अब्बू अभी तक नहीं आए, आप लोगों ने पूछा भी नहीं कि कहाँ है वो। तुम्हारे अब्बू अभी तक घर नहीं पहुंचे और मैं फोन कर रही हूँ तो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे। बस अल्लाह रहम कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह वाकई रहम करे। एक तो दादी को खांसी भी आती है तो अबू खाम खाम में परेशान हो जाते हैं, उनको लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर खुदा के लिए चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ? अम्मी, मेरी फ्रेंड्स के साथ मुझे कितने बजे पहुंचना था? 7 बजे। अभी देखे क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। आप प्लीज फोन करके पूछे तो सही कि वो है कहाँ पर। मैं नहीं करूंगी फोन वोन। अरे पता नहीं वहां पर कितनी बड़ी परेशानी हो रही होगी, अगर मैंने फोन किया ना, मुझे पूरा यकीन है तुम देखना वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे। मैं नहीं करूंगी फोन भाई। अच्छा तो फिर मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ, पूछू तो सही। हाँ बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू आपको और कितनी देर लगेगी? आज नीलम की एंगेजमेंट पे जाना है ना मुझे। दादी बीमार है, अंदर उनकी ईसीजी हो रही है। तुम्हें दादी की कोई फेर नहीं है, जाने की पड़ी हुई है तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, घर में आराम से बैठो। वो कैसी हैं दादी? अरे बताओ तो सही, क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? कैसी तबीयत है तुम्हारी दादी की? अब्बू कह रहे हैं कि दादी की ईसीजी हो रही है और मैं आराम से घर बैठ जाऊं। या अल्लाह, ईसीजी, अल्लाह तो रहम कर देना। कहीं ऐसा तो नहीं क्या अम्मा को दिल का कोई मर्ज हो गया? या अल्लाह तो रहम करना, मेरे मालिक रहम कर। क्या करूं क्या करूं, टैक्सी पर चली जाऊं। कमल की कॉल आ रही। हेलो, हाँ कमल, सो सॉरी यार, वो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। ओके बाय। अम्मी मैं खुद से जा रही हूँ, अब्बू आए तो आप कह दीजिएगा कि आप मुझे छोड़ के आए। सवाल ही पैदा नहीं होता, घर से कदम मत निकालना तुम, नहीं जाने दूंगी मैं अकेले तुम्हें। अकेले नहीं जाने दूंगी? एक तो पता नहीं क्या मुसीबत है, सारी पाबंदियां ना हम पे लगाई हुई हैं। दुनिया की हर लड़की अकेले आती जाती है लेकिन आप है। कमल वगैरह कितना एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह मियां, अब्बू जल्दी से आ जाए प्लीज। हेलो, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, आओ छोड़ने चलो तुम। मोहसिन तुम बेवकूफ तो नहीं हो गए? क्या कर रहे हो यहाँ पे, किसने बुलाया तुम्हें? फौरन निकलो यहाँ से, क्यों मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? अबीर, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, जाओ। अबीर की कॉल आई थी, शुक्र है दादी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब वो आ रहे हैं? नहीं, अभी दूसरे टेस्ट हो रहे हैं ना दादी के, तो 1.5-2 घंटे लगेंगे। लो
मेरा जाना तो गया, क्यों मेरे प्लान्स का सत्यानाश करते हैं हमेशा? कोई बात नहीं अबीर, तू इतने परेशान है, तुम चुप रहो। अब्बू की चमची गई, बदतमीज। यही चाहते थे ये लोग कि मैं नहीं जाऊं, मेरा प्लान खराब। ये लो, इतने बड़े बड़े कैरिज भी है, और ये जूता, ये लो। हुआ तुम आ गए। सामी गम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मोहसिन, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं कोई परेशानी नहीं है। अचानक कहाँ चले गए थे? दोस्त के पास गया था। अम्मी सब खैरियत तो है ना? खैरियत है यार। भूख लगी है मुझे, खाना तैयार है। मुंह हाथ धो लो, लगाती हूँ खाना। अब बेहतर महसूस कर रही है ना? ठीक हूँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का। ये अम्मा का नुस्खा है, इस पे सारी दवाइयों का लिखा हुआ है, जरा वक्त पे देती रहना अम्मा को। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था अम्मा का और बीपी भी बहुत हाई था। तो सर अम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना दवाइयों से? देखो मैं दवाइयों पे ज्यादा इनसार नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम खाने को कंट्रोल करें। ये जो तुम पानी की तरह तेल डाल देती हो ना अंडिया में, इससे परहेज करो जरा। मैं तो मुझे सर बहुत नाप तोल के बनाती हूँ। अच्छा ना, आइंदा ख्याल रखना, और ये जो मिर्च मसाले भी ज्यादा डालती हो ना, वो भी कम डाला करो। आइंदा हम सब सादा खाना खाएंगे। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। अबीर कहाँ है? वो कमरे में है। उसको कहो ना कि वो भी दादी के पास आए जरा। हाँ लगाओ खाना। अम्मा मैं जरा मुँह हाथ धो लूँ, आप आराम करें अब। अबीर तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी दादी आ गए हैं बेटा। तो क्या करूं मैं? क्या मतलब है क्या करूं? चलो चल के मिल लो, दादी की तबीयत पूछ लो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा पूछ रहे थे। अब्बू से ना कहिए कि मैं मर गई हूँ, मेरी डेथ हो गई है। बुरी बात है, चलो चल के देख लो। अम्मी क्या अच्छी और क्या बुरी बात है, इस वक्त प्लीज मुझे कुछ मत बताइएगा। अबीर बड़ों को ऐसा नहीं कहते बेटा। अच्छा, और बड़े हमारे साथ ज्यादती करते रहे? मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलम की एंगेजमेंट थी आज, कितनी एक्साइटेड थी मैं, सब मिस कराती हूँ। हमारी मजबूरी थी ना बेटा। ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं थी, जा सकती थी, कोई भी बहाना बना सकती थी। मैं क्या कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। इन सब चीजों के लिए बहुत सी बातें मैं मुदस्सिर से और तुम्हारी अम्मा से छुपाती हूँ, नहीं बताती मैं उन्हें। तो आज भी मेरा साथ दे सकती थी ना? बेटा कहा है ना तुमसे कि तुम्हारी दादी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थी वो, खुदा ना खास्ता अगर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती, परेशानी बढ़ जाती, एक मसला खड़ा हो जाता। तो सारे मसले ना हमारे घर में ही है। अच्छा अब छोड़ो ना ये सारी बातें, आ जाओ शाबाश आओ। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं मिलने जाऊंगी। तुम्हारे अब्बू ने अगर दोबारा से पूछा तो कहिएगा कि सो गई हूं मैं।
तुम्हारा मुंह इतना क्यों सूजा हुआ है? नहीं तो रात जल्दी सो गई थी जी। अभी दादी को मिलके जाना। अभी सो रही होंगी वो, आराम करने से। वो जाग रही हैं। बल्कि अब तुम दोनों ना दादी का ज्यादा ख्याल रखना, बल्कि उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना। मुझे तो दादी के साथ बहुत मजा आता है। सिर्फ दादी की फिक्र है, ये बात तो याद ही नहीं कि कल मेरे साथ क्या किया। नाश्ता हो गया तुम्हारा? जी। जाओ जाके दादी को चाय देकर आओ। दियाओ क्या मतलब है? जाकर अपने हाथों से पिलाओ उन्हें, तुम्हारी बहन आने में भी काफी वक्त है। जी बिल्कुल ठीक है। अब तो जो जिंदगी लिखी है बस वही गुजर जाए ढंग से तो गनीमत है। ये रोज रोज का अस्पताल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी तो आराम कैसे आएगा आपको? मेरी वैन आ गई। दुपट्टा तो ठीक से सर पर ओढ़ो। जी। ऐसे ही नंगे सर भागी चली जाती है, बहुत लापरवाह लड़की है। अच्छा रुको तो सही, सुनो यार मान जाओ, कहा ना मजबूरी थी, नहीं आ सकी। अब छोड़ भी दो गुस्सा, मेरे से बात तो करो कम से कम। कितना भरोसा था मुझे तुम, कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी जिंदगी की पहली खुशी में नहीं आ सके तुम। आई प्रॉमिस तुम्हारी शादी में ना पूरा एक हफ्ता पहले मैं आऊंगी और तुम्हारे घर रहूं। अब ना मुझे तुम पे इतना सा भी भरोसा नहीं रहा। तुम दोनों बड़ा हंस रही हो, कम से कम दोस्त से मेरी थोड़ी सी सिफारिश ही कर दो। नीलम बस कर दो यार, माफ कर दो अब इसे। तुम दोनों ना बिल्कुल खामोश रहो, इसे सीख कर कल को तुम लोग भी यही करोगे मेरे साथ। हद होती है यार। अच्छा छोड़ो इसे, मुझे तुम इसकी एंगेजमेंट की पिक्चर्स दिखाओ। नहीं नहीं खबरदार, जो इसको मेरी एंगेजमेंट की पिक्चर्स दिखाई तो ना दिखाओ पिक्चर्स। जुनेदी दिखा दो। उसे तो मैं हरगिज नहीं दिखाऊंगी, देखना होगा ना तो आ जाना शादी। शादी इतनी लंबी बात, शादी का कौन इंतजार करे? एक काम करो तुम दोनों ठीक से बहस कर लो, हम दोनों कैफे चलते हैं। चलो अच्छा मैं ठीक है। मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, I'm sorry, कितनी बार सॉरी कहूँ? ये देखो कान पकड़ के सॉरी कर रही हूँ, गलती हो गई ना यार। तुम्हें पता है मैंने जुनेद के लिए एक परफ्यूम भी लिया था, पड़ा पड़ा शायद एक्सपायर हो जाए। अब प्लीज मूड सही कर लो ना, और वैसे भी ये तो एंगेजमेंट थी, तुम्हारी शादी होगी, तुम दुल्हन बनी होगी, ये तुम्हारा दुपट्टा चुन्नी बनो रानी के सर पे डालूंगी और इस तरह से फोटो नहीं खिंचवाऊंगी। हो गया चल अब बस करो। अल्लाह इतना गुस्सा। अच्छा बताओ कब मिलवा रही हो अपने हीरो से? कभी भी नहीं। तो मैं भी फिर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मान नहीं जाओगी। मिलवा दूंगी भाई, तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूं मैं। बस अब तो एक ही आरजू रह गई है कौशल, कि आंख बंद होने से पहले दोनों बच्चियों को उनके घर का देख लो। अल्लाह आपको सेहत के साथ जिंदगी दे, आप इंशाल्लाह दोनों बच्चियों की खुशियां देखेंगी। सेहत को तो झटका लग ही चुका है कौसर, मैं तो कहती हूँ तालीम उनकी जितनी भी हो गई है अब उनको कोई घर गृहस्थी भी सिखाओ। अम्मा दोनों घर के कामों में मेरा हाथ बटाती हैं, और अब तो रोटियां भी बहुत अच्छी बनाने लगी हैं दोनों। पर तुमने भी तो सारे जहान में मशहूर कर रखा है कि जब तक बच्चियों की तालीम मुकम्मल नहीं होगी उनकी शादी नहीं होगी। कौसर ससुराल में डिग्री नहीं देखी जाती बल्कि घर चलाने का हुनर देखा जाता है। अम्मा अबीर की तालीम तो तकरीबन मुकम्मल हो ही चुकी है, और अब उसके लिए रिश्ता तो देखना है ना इंशाल्लाह। और वैसे भी मुदस्सिर जो है ना वो शादी से पहले बच्चियों की तालीम मुकम्मल करने के हक में है। मुदस्सिर तो मर्द है, बच्चियों की फिक्र तो माएं किया करती हैं। तुम भी घर के अंदर बैठी रहती हो, कहीं बाहर जाओ मिलाद में कहीं कुरान खानी में, लोगों को पता तो चले कि तुम्हारी दो बच्चियां हैं। अम्मा मुदस्सिर को ये सब कुछ पसंद नहीं है। कौसर हर बात मेरे बेटे पर मत डाल दिया करो, कुछ खुद भी सोच लो।
खुद भी कुछ किया करो। बड़ी की तालीम तो तकरीबन मुकम्मल हो गई, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो और उसको तो अपने घर का करो। ठीक कह रही हैं आप। तुम्हारे लिए, तुम्हारे ये पूल जमा कर करके ना मेरे दो रजिस्टर भर चुके हैं। तो तुम्हें पूल देना तो नहीं छोड़ सकती? मैंने कब कहा कि पूल देना बंद करो? मुरझाए हुए फूलों से मेरी मोहब्बत की खुशबू आती होगी ना? हाँ आती तो है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चुप गया, सुर्ख हो गया ये तो। ओफो, फूल क्यों फेंक दिया? फूल की क्या गलती है? इतना बेचारा नाजुक और नरम सा फूल है। तुम इस फूल से भी ज्यादा नरम और नाजुक। अपना ख्याल रखा करो अभी। जब मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो मैं अपना ख्याल खुद क्यों रखूं? तुम हो ना मेरा ख्याल। और कोई किस्सा सुनाए ना दादी। अरे बस ना बेटा, बाकी कल सुनाऊंगी। हाँ दादी यार सुना दे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अब्बा वो कमरे में। दुपट्टा ओढ़ के रखा करो और ये पैंचा भी नीचे करके रखो। जाओ बेटा, जाओ अपने अब्बा के लिए पानी लेकर आओ और फिर चाय भी बना, और ये भी लेती जाना। कौसर कहाँ है? अबीर आ गई यूनिवर्सिटी से? हाँ हाँ अबीर आ गई थी, कौसर के साथ बाहर गई है। जरा बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सलमा है ना, सलमा की नवासी की शादी है कल, मैंने भेजा जोड़ा लाने के लिए। माँ हम मुझे बता देती, उन दोनों को अकेले भेज दिया आपने। सारा दिन काम करके तुम थके हुए घर आते हो, अच्छा लगता है मैं तुम्हें बाजार भेजूं? आ जाएंगी अभी, दोनों साथ गए, ये पास में तो बाजार है। जी बेहतर। पलक बेटा पानी ले आओ। आपके पास चुनरी में रेड में नहीं है? अबीर देखो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? कौन है ये लड़का? अम्मी ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पता नहीं मुझे क्यों परेशान कर रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अबीर और मैं तो एक दूसरे से। और जस्ट शट अप। बाजार में खड़े होकर मेरी अम्मी के सामने फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, और अगर आइंदा तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूं। चलो। उठा लो और धो के रखना बर्तन, ये ना हो कि माँ आए और बर्तन धोने में लग जाए। जी दादी। मेरा ख्याल है अम्मा आप भी थोड़ा सा आराम कर लें। हाँ बेटा आराम कर लूंगी, मगर मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ माँ कहिए। कौसर से मैंने बात की थी मगर उसे मेरी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें समझाऊं। आप हुक्म करें माँ। बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं और वक्त है कि ये बोझ अब उतार दो। माँ हर किस्म का फर्ज तो पूरा कर रहा हूँ मैं, बाकी बेटियां बोझ तो नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है। हाँ हाँ तो ये जिम्मेदारी पूरी करो ना, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और इनको अपने घर का करो। हाँ माँ बस ये इनकी तालीम मुकम्मल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह दुआ करें कि इज्जत के साथ सारे काम हो जाए। तालीम का मुकम्मल होना इतना जरूरी नहीं है, क्या ससुराल वालों ने नौकरियां करवानी है इनसे?
अम्मा अल्लाह ना करे कि वो ससुराल में नौकरी करे या उन्हें बाहर निकलना पड़े किसी जरूरत के तहत। अम्मा डिग्री हाथ में हो ना तो ससुराल में ना बच्चियां जरा एतमाद से रहती हैं। अब ये तुम अपनी बीवी की जुबान बोल रहे हो? नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, आप दुआ करें कि दोनों बच्चियों के लिए बहुत अच्छे घर मिल जाए। इंशाल्लाह। तुमने तो अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाई और सर झुका लिया, इसी वजह से हेलो Who's this? Hello. कबीर, तुम्हारे अब्बू और दादी को अगर पता चल गया ना तो तुम्हें भी जान से मार देंगे और मुझे भी मार देंगे। ना आप कुछ बताएंगी ना मैं कुछ बताऊंगी तो कैसे पता चलेगा दोनों को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी आप क्यों इतनी परेशान हो जाती हैं? आपको पता है इसी वजह से मैं आप लोगों से कोई बात नहीं शेयर करती। अच्छा अगर तो दोबारा से तुम्हें मिल गया और उसने तुम्हें परेशान किया तो क्या होगा? ओहो ऐसी की तैसी उस लड़के की, ऐसे कैसे परेशान करेगा? आपके सामने मैंने कैसी खरी खरी सुनाई है, उसकी हजामत की है, आइंदा के बाद जुरत नहीं करेगा ये करने की। तुम्हें यकीन है इस बात का? जाहिर है मुझे यकीन है, आपको नहीं पता यूनिवर्सिटी में सब जानते हैं कि वो बहुत ही डरपोक किस्म का और एक अजीब सा लड़का है। मैंने दो हमदर्दी के लफ्ज क्या बोल दिए फिर सर पे चढ़ गया। कौसर कि अचानक एकदम से मेरे सामने आ गया, ऐसे लफंटों को ना वैसे लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी नीलम। सुनो मैंने कल जुनेद को मिलने के लिए बुलाया। ओहो अभी से ही बातें मुलाकातें स्टार्ट हो गई हैं। तमीज लड़की, तुम्हारे कहने पे मैंने बात की, तुमसे मिलने के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा थैंक यू वेरी मच। कल 2 बजे का टाइम कहा है उसे? 2 बजे? और 2 बजे तो वो वैन वाला भी आ जाता है यार। सुनो अब ऐसे मत करो। अच्छा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने प्लान चेंज किया ना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, सच बोल रही हूँ। एक तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या बन गई, मुझे हर वक्त इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती है। कुछ करती हूँ मैं। ओके बाय। ओके बाय। को क्या कहूँगी मैं, आप बहाना। मोहसिन हमारी ये हरकत ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब क्या किया मैंने? यही जो तुम दफ्तर का काम घर लेकर आ जाते हो, हर बार काम करते रहते हो। क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत तरक्की करनी है। तरक्की करनी है ना को? तरक्की करने के लिए सेहत भी जरूरी होती है। चलो शाबाश दूध पियो। क्यों रोजाना दूध लेकर आ जाती है? इतने बड़ा हो गया हूं अब मैं यार, बच्चा थोड़ी हूँ। अच्छा अगर बड़े हो गए हो तो फिर तो मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, है ना? मगर उसमें भी वक्त है। क्यों? वक्त क्यों है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। है तो, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला। अच्छा चलो, मेरी दुआ है कि तुम्हारी हर सोच हर ख्वाहिश पूरी हो। आमीन आमीन। अब दूध पीने ना काम में नहीं लग जाना।
जी अम्मी जान। अम्मी नीलम को मैसेज करके मुझे बताना है, प्लीज अब तो बता दें। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें एक बात समझा दी है ना कि अगर दोस्तों से मिलना हुआ करे तो उन्हें घर बुला लिया करो, ये बाहर जाने का मत रखा करो। अम्मी मैं नीलम की एंगेजमेंट पे भी नहीं गई, अब वो हम सब फ्रेंड्स को ट्रीट दे रही है बाहर, इसी बहाने मैं भी घूम आऊंगी, तफरी हो जाएगी मेरी भी। अबीर मुझे लड़कियों का इस तरह से अकेले बाहर जाना बिल्कुल नापसंद है। अम्मी हम कौन सा बाहर सड़कों पे घूमने जा रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में अच्छी सी जगह पे बैठ के लंच कर लेंगे। आप लोग क्यों मुझ पे इतनी पाबंदियां लगाते हैं, क्या मांग लिया मैंने आपसे, प्लीज यार जाने दें। तुम्हारी दादी घर पर है, अगर उन्हें शक हो गया और उन्होंने पूछ लिया तुम्हारे बारे में तो। हाँ तो मैं जब भी आती हूँ दादी वैसे भी सो रही होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अबीर किसे क्या पता नहीं चलेगा, वो नीलम मुझे ट्रीट दे रही है बाकी सब दोस्तों को और मुझे। हाँ भी मजे हैं तुम्हारे तो। हाँ लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना बाकी सबके सामने। मैं ये बताने आई थी अब्बा चिलगोजे लाए हैं, दोनों को बुला रहे हैं जल्दी आ जाएं। अम्मी प्लीज जाने दे, मैं पक्का पक्का वादा जल्दी आ जाऊंगी, चार बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा आ रही है। अम्मी क्यों साइलेंट मोड में खड़ी हैं? प्लीज कुछ तो बोले। इतनी देर हो गई है, आएगा भी या नहीं, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। अभी बस आने ही वाला होगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। क्या टाइम दिया था, देखो 2:20 हो रहा है, कम से कम फोन करके उसे पूछो तो सही कहा है। बहुत बेसब्री हो और तुम बहुत बड़ी बेवकूफ, इसलिए लड़कियों को कहते हैं लड़का और लड़की का एक दूसरे को जानना कितना जरूरी है, पहले मिलो मोहब्बत करो फिर जाके कहीं शादी वादी का सोचो। लेकिन नहीं, तुमने तो अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाई और सर झुका लिया, इसी वजह से। हेलो आ गया। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक, अब अभी जुनैद तो बिल्कुल वैसा है जैसा जीवन साथी मैंने हमेशा चाहा। ये नीलम कितनी लकी है ना, जुनैद उसकी जिंदगी में जो है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी और जो मेरा होना चाहिए उसे हासिल करके रहूंगी। हेलो मोहसिन, इतनी देर लगा दी तुमने फोन उठाने? हाँ वो मैं दादी के पास थी। तुम्हें पता है अम्मी ने कल मुझसे बात की शादी की। अच्छा फिर? पर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा भी मुझे बहुत काम करना है, बहुत तरक्की करनी है। आई दादी। वो मोहसिन दादी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय।
अपीर। तुम्हें क्या हुआ है? आओ बैठो, कुछ खाओ ना। हाँ मैं खाती हूँ। वो अम्मी की बार बार कॉल आ रही थी, आई थिंक फोन साइलेंट पे था। अब खुद कॉल कर रही हूँ तो बैलेंस ही नहीं है, अपना फोन दोगी? हाँ हाँ श्योर, रुको अनलॉक कर दो। थैंक यू। हेलो जी अम्मी। हेलो जी। हाँ वो मुझे आपसे कहना था कि प्लीज देखिएगा मेरा रजिस्टर टेबल पे तो नहीं रह गया। होल्ड करो, देख। अरे अबीर तुम्हारी टेबल तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा नहीं नहीं वो बैग में ही रखा था मैंने, मिल गया। ओके तो अब है। अच्छा ये बताओ कि ये किसके नंबर से फोन कर रही हो? वो नीलम के नंबर से कॉल कर रही हूँ। चले मैं बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। प्रॉब्लम। फलक की वॉच रह गई थी बैग में, उसका कुछ नहीं। कहाँ हो अभीर? मेरा फोन रिसीव करो या मैसेज का रिप्लाई कर दो यार, मैं परेशान हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। कहीं अभीर की तबीयत नहीं, नहीं मुझे कुछ भी हो जाए, अल्लाह ना करे उसे कुछ, क्या करूं कैसे पता लगा। हेलो अबीर, कहाँ हो यार? मैं ठीक हूँ, वो बस घर में फोन भूल गई थी ना इसलिए। पता है मेरी क्या हालत हो रही थी, दिल कर रहा था हर चीज को आग लगा। फलक मैं आ रही हूँ, एक मिनट। वो घर में मेहमान आ गए हैं, मुझे जाना होगा, बाद में बात करती हूँ। रात में बात करेंगे प्लीज। ठीक है मैं तुमसे रात में बात करती हूँ, बाय। आपकी मेहनत जो है ना रंग ले आई है, कौशल ने बहुत ही लजीज पकाया आज। चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ सीख गई है, वरना जब ब्याह के आई थी ना बेटा तो अच्छा अम्मा छोड़े उस बात को, तुम सुनाओ भी
कैसी जा रही है यूनिवर्सिटी? बहुत जबरदस्त, सब टीचर्स की फेवरेट बन चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा देखिएगा, इस मर्तबा मेरी बेटी स्ट्रेट एज लेकर आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर ले, मगर मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि इतना पढ़ाने की क्या जरूरत। अम्मा आजकल के जमाने में बच्चियों के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, खाना पकाना तो सीख ही जाएंगी। आप बहन आपका साया सलामत रहे। पहले मुझे दे दो। क्यों मैंने? फलक बड़ी बहन है बेटा, उसको उसको डालने दो ना पहले। चलो दो उसको, दो बल्कि डालो, खुद डालो। पता नहीं, आजकल ना खुद पढ़ती है ना ही मुझे पढ़ने देती है। अरे ये बात तुम्हें आज समझ आई है? इतने अरसे से तो रोज बातें हो रही थी से। नहीं, तुम आजकल बहुत ज्यादा नहीं मेरे मामलात में दखल अंदाजी करती। मुझे लगता है आज तुमने बहुत पढ़ लिया, अब तुम्हें जाके अपने बिस्तर पर सो जाना चाहिए। बुक्स नहीं कराओ, जाओ। शाबाश। ज़ायदा बीबी। जी साहब जी। मेरी कॉफी रेडी हो गई? जी साहब जी, कमरे में है। रूम में? Hello. Who's this? Hello. दादी एक्चुअली वो मेरे सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क्स आए ना, सेलिब्रेट कर रही थी। तो इसका मतलब है कि तुम क्लास में फर्स्ट आई हो, हैं? जी, मेरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर्स आए। अच्छा, बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे को, अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में ऐसे ही कामयाब करे। अच्छा वैसे आप कमरे में क्या करने आई थी? मैं बिल्कुल भूल गई, तुम्हारा वैन वाला आ गया है। दादी पहले क्यों नहीं बताया? उफ। अच्छा देखो दुपट्टा ठीक से ओढ़ के जाना। ये ले, ओढ़ लिया। खुश शाबाश, चलो जाओ जाओ बेटा, खैरियत से जाओ। खुदा हाफिज़।
मोहसिन, अभी तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए यार। साइड पे आऊं? बात तो सुनो यार, ठीक हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पूरी रात नहीं सोया मैं, पता कैसे कैसे उल्टे सीधे ख्याल आते रहे मुझे। कैसे ख्याल आते रहे? तुम्हारे अब्बू या दादी को पता तो नहीं चल गया ना? वो किसी को कुछ पता नहीं चला मुझसे। तो फिर फोन कहाँ है? कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स की मैंने, एक का भी जवाब नहीं दिया। सो गई थी ना मैं। उठकर तो देख सकती थी ना। तुम्हें मैंने बताया भी था कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब। सुबह उठी, पहले उनको नाश्ता देना था, फिर अपनी तैयारियां करनी थी। फोन अभी भी बैग में पड़ा है, टाइम ही नहीं मिला देखने का। चलो ना कहीं चल के नाश्ता करते हैं। तुमने सुबह से नाश्ता नहीं किया? बताया ना पूरी रात नहीं सोया, इतना परेशान था मैं। तुम्हें देख लिया ना, बस सब सही हो। यार मेरी ना फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, मैं चाह के भी बंक नहीं कर सकती। रियली सॉरी। चाहिए ना, ख्याल रखना मेरे लिए। अब जाऊं? मैं रोहिणा से नहीं, अभीर से शादी करना चाहता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो मोहसिन? जो आपने सुना वही सच है ताई मेरी। मैं रोहिणा को धोखा नहीं दे सकता।